तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कैन नॉट बी ऑब्टेंड। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? जैसे हम देखते थे ना, हर बार प्रोपोर्शनल लगा देते थे, फिर के लगा देते थे, ये के का वैल्यू आता उसमें नहीं है एक्चुअली। तो ये पहला ड्रॉबैक है किसका? डायमेंशनल डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा ड्रॉबैक देखते हैं हम लोग, क्या है आखिरकार दूसरा ड्रॉबैक? दूसरा ड्रॉबैक है कि बहुत लोगों का डायमेंशन सेम है, आपने देखा क्या? यस सर, यस सर। देखो प्रेशर का, स्ट्रेस का, इलास्टिसिटी का, है ना, एनर्जी डेंसिटी का, बहुत लोगों का डायमेंशन क्या है? एक जैसा। सो कंफ्यूजन होता है या नहीं होता है? होता है, होता है। सो इट बिकम समटाइम्स, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। ये भी दिक्कत है। जैसे मैंने लिखा एक डायमेंशन m1 l2 t माइनस टू, बताओ ये किसका डायमेंशन? नहीं, फोर्स नहीं, एनर्जी का। बट यही टॉर्क का भी है। यस सर, यस सर। यही काइनेटिक हीट एनर्जी का का भी है। हाँ, यही हीट का भी है, यही काइनेटिक एनर्जी का है, यही पोटेंशियल एनर्जी का है। तो पता कैसे चलेगा कि क्या है? सो समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। सो वंडरफुल। अगला क्या है? देखो जब भी हमने निकाला तो हमने अल्फा बीटा गामा निकाला, राइट? जब हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे तो क्या निकाल रहे थे? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा यानी कि कितने वेरिएबल हैं? तीन वेरिएबल। सो ओनली थ्री वेरिएबल्स ही हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम थ्री वेरिएबल्स, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो ये एक और ड्रॉबैक है इसका। सो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सर एक बार हमने डेल्टा भी यूज किया था। हाँ, उसमें दो थे। हाँ सर। अबे तो दो तीन, दो या तीन तक निकाल सकते हैं, मैक्सिमम तीन, तीन से ज्यादा नहीं। मतलब हम ऐसा रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे जिसमें तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, है ना, वो नहीं आता। सो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मैक्सिमम थ्री अननोन्स कैन बी ऑब्टेन। नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये बताओ, आप देखो हमने जो फॉर्मूले निकाले थे उसमें एक फॉर्मूला ये था, हाफ एम वी स्क्वायर, देखा आपने, डिराइव किया था ना अपन ने, yes, sir. है ना, एक था रो जी एच, है ना, एक था और क्या क्या था आप बताओ मुझे, मैं भूल गया। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, और क्या था? मैंने आपको घर के लिए कुछ दिया था क्या? नहीं सर, नो सर, नो सर। एक ये भी था, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें तीन वेरिएबल है, इसमें भी तीन वेरिएबल है, इसमें भी तीन वेरिएबल है, लेकिन चार वेरिएबल वाला नहीं निकाल पाएंगे। चार वेरिएबल वाला फॉर्मूला निकलेगा नहीं।
So using dimensional SSG, proportionality constant cannot be obtained. Sometimes it becomes difficult to distinguish physical quantities having same dimension. Using dimensional analysis, maximum three knowns can be obtained. Only three variables. What's the answer? Huh? Wow! Kadi? Udya chutti aaya hai. Haan. So k barabar half m v square. P barabar rho gh, h barabar I square rt. Dekho, ye formula nahi nikalega. ये फॉर्मूला नहीं निकाल सकते आप सर. क्यों नहीं निकलेगा ये फॉर्मूला? अरे इसमें बहुत वेरिएबल है. देखो कितने हैं, एक दो तीन और चार. ये फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते. फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. ये हम कर सकते. एक और ड्रॉबैक है, देखो फोर्थ ड्रॉबैक, फोर्थ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? फोर्थ लिमिटेशन, सो लेट अस सी फोर्थ वन. देखो जितने भी फॉर्मूले हमने निकाले ना, उनमें सब में मल्टीप्लाई का साइन था, एडिशन का साइन नहीं था. सो एक्सप्रेशंस एंड रिलेशंस between physical quantities having addition and subtraction sign cannot be obtained, cannot be derived. But can be checked dimensionally. देखो जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए ना, सब में मल्टीप्लाई था या डिविजन था. जैसे कि m इंटू वी स्क्वायर मल्टीप्लाई, रो इंटू जी इंटू एच मल्टीप्लाई, जितने भी फॉर्मूले आप देखेंगे ना, सब में आपने मल्टीप्लाई ही यूज किए. ए ये वाला नहीं डिराइव कर सकते आप. ये वाला क्यों डिराइव नहीं कर सकते आप? क्योंकि बीच में क्या आ गया, ये नहीं निकले. ये डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाला जा सकता. लेकिन क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ये चेक कर सकते हैं हम लोग? यस कर सकते हैं. तो वही मैंने लिखवाया आपको कि डायमेंशनलिटी उसकी चेक कर सकते हैं, वो करेक्ट है या नहीं है, और उसको निकाल नहीं सकते. v बराबर u प्लस at भी हम नहीं निकाल सकते हैं. क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि बीच में क्या है, प्लस साइन है. प्लस साइन, ऐसे फॉर्मूले नहीं निकलते हैं. क्या हम ये वाला निकाल सकते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन? हाँ ये निकाल सकते हैं हम. क्यों? बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं. क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? डिवीजन. सब निकाल सकते. तो ये चार ड्रॉबैक आप खोपड़ी में रखिए. क्या क्या है रट लीजिए एक बार. फोर ड्रॉबैक्स भी है हियर विद अस. मैंने सैटरडे का लेक्चर भेजा है ना आपको या नहीं भेजा अभी तक? सर भेजा है यार, नहीं भेजा है? आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, देखता हूँ. नहीं भेजा सर. भेजता हूँ, भेजता हूँ, भेजता हूँ. हाँ लिख लो सब आराम से. भेजा है, भेजा है सर. भेजा है.
होमोजेनिटी का भेजा है। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो आगे चलो। सो ये बात हो गई अपनी डायमेंशनल एनालिसिस की भी बात हो गई। चलो तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, यूनिट पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ लिया, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लिया, कन्वर्जन पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। अब आगे चलेंगे, है ना। डायमेंशनल होमोजेनिटी भी पढ़ा अपन ने ना। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे। क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे अब हम। बात करेंगे अब हम कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और वो क्या है, लिसन केयरफुली, क्या है वो ऐसी चीज, कुछ छोटी छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट चीजें। पहला चीज है वो है अच्छे अक्षरों में लिखना है इसको। क्या लिखोगे? सिग्निफिकेंट डिफरेंस या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे बोल दें। फिगर्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो क्या होते हैं सर ये? तो देखो मुझे बताओ सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है ना। जैसे आपके पास अगर लिखने के लिए पेन नहीं है तो लिखने के लिए पेन सिग्निफिकेंट हुआ या इनसिग्निफिकेंट हुआ क्लास के लिए? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। सो क्लास के लिए पेन होना क्या है? सिग्निफिकेंट। ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो मोबाइल सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट क्लास के लिए? सिग्निफिकेंट। लेकिन मोबाइल में व्हाट्सएप इनसिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट। मोबाइल में व्हाट्सएप अगर नहीं भी हुआ तब भी काम चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा। लेकिन मोबाइल में जूम नहीं है इनसिग्निफिकेंट चीजें वो है जिनको अगर निकाल दें तो दिक्कत आ जाती है। यानी कि हैविंग सम इम्पोर्टेंस, हैविंग इम्पोर्टेंस इन द नंबर, इन द मेजरमेंट। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? दे आर सिग्निफिकेंट। उसका ध्यान दिया जाता है, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, और वो रूल्स का आपको पालन करना है और सिग्निफिकेंट डिजिट को निकालना है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा शायद। देखो मान लो आपके पास दो रुपया है, है ना, कि दो रुपया भी होगा नहीं आपके पास, बट मान लो है, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, इधर जीरो लगा दिया, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, नहीं। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया, इधर जीरो लगा दिया, पड़ा पड़ा सर, फर्क पड़ा सर, फर्क पड़ा।
तो कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट कौन सा जीरो इनसिग्निफिकेंट? सेकंड वाला इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कितना ही लगाओ आप। ये सब जीरो कैसे हैं? इनसिग्निफिकेंट। ये सब जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कुछ रूल्स है ना, वो रूल्स का जस्ट राइट डाउन। रूल नंबर वन, रूल वन, there are something 5 or 6 rules we will see. So rule 4 rules. So pehla rule hai all non zero digits, all non zero digits are significant. ye sab significant hote hain. सभी नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। एग्जांपल देते हैं, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है। जैसे मुझे बताओ 1, 2, 4 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 3। कौन 3? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। Yes, sir. इसे बताओ 1, 1.62 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? सर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। यस सर, 4 जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं रहेगा तो वो सभी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 1 आपने लिखा? यस सर। All non zero digits. एक और एग्जांपल ले लेते, दो एग्जांपल और ले लेते, चलो आगे कोशिश के लिए। 3, 1, 1, 5 कितने सिग्निफिकेंट है? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। और लेट्स से 1.21 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। ये रूल नंबर 1 है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर टू कहता है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो। कौन से जीरो जो किसके बीच में आएंगे? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन यानी कि वो लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 202 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, क्योंकि 2 तो नॉन जीरो नंबर है, ये 2 भी नॉन जीरो नंबर है, और ये 0 सिग्निफिकेंट क्यों बन गया? क्योंकि ये किसके बीच में आ गया? नॉन जीरो डिजिट। टू नॉन जीरो डिजिट। ऐसे बताओ 1.011 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये जीरो क्यों बन गया सिग्निफिकेंट? बिकॉज़ इट इज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स। हां, अब चाहे फिर वो डेसिमल पार्ट में आए या किधर भी आए, बिकॉज़ यहां पे क्या लिखा है? इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन। क्या लोकेशन? चलो ये बताओ इसमें कितना आएगा? 6001.2 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। Here we have 5 significant digits. 4, 0.0102 6 So 4 6 आएगा ना, 4 कहाँ से आएगा? अरे 6 ना total. Yes, I did see a point. क्या करता है भाई? So ये rule number 2 है ना? तो ऐसे कुछ 4-5 रूल है वो हम रट लेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे। रूल नंबर 3,
सो रूल नंबर थ्री क्या बोलता है, इफ नंबर इज लेस देन वन, इफ नंबर इज लेस देन वन यानी कि अगर कोई नंबर एक से कम है एंड ऑल जीरोस all zeros to the right of decimal. All zeros to the right of decimal. Right of decimals. And to the left of non-zero. Non-zero digit. आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, लेफ्ट साइड, बट नंबर किससे छोटा होना चाहिए, वन से, वन, वन से छोटा नंबर देखो 0.03, तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, वन, वन, वन. इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, कौन सा वाला, थ्री, थ्री, थ्री इज द ओनली सिग्निफिकेंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, दिस जीरो एंड दिस जीरो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो दिस नंबर इज लेस देन वन, ऑल जीरोस टू द राइट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसमें बताओ कितने, टू सिग्निफिकेंट, टू, टू सिग्निफिकेंट, ऐसा बताओ, टू, टू, टू सर, ये तीनों जीरो, ये चारों जीरो कैसे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, लेस देन वन, नॉन सिग्निफिकेंट, ऐसा बताओ, कौन कौन थ्री, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है, बट ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है ना, नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये रूल नंबर थ्री है, नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर फोर, लिख रहे ना आप सब लोग, अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, मेरी तरह मत लिखिएगा घटिया, अच्छी राइटिंग में लिखो सब, यस सर, रूल नंबर फोर, सो रूल नंबर फोर सेज ऑल जीरोस ऑल जीरोस टू द right, right, right of a non-zero digit, in a decimal number are significant. All zeros to the right of a non-zero digit in a decimal number are significant. Number कैसा होना चाहिए? Significant. नहीं, decimal number होना चाहिए. Decimal मतलब उसमें decimal number. Point होना चाहिए. Point. Irrespective of its location. Yes. Their location. वो किधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 0.2500 बताओ कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, फोर सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें, फोर, कौन कौन से फोर सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पर,
2, 5, 0, 0. ये दोनों जीरो इस भाई इसको शांत कर ले। कौन है ये? बाद में सुन लेना, पहले क्लास कर ले। सर जीरो जीरो कैसे आएंगे वो बाद में? क्या जीरो जीरो लिखे नहीं लिखे तो भी सेम ही पड़ता है ना सर? वही मैं बोल रहा हूँ। अरे सुनो, हम अपनी खोपड़िया लगा रहे हैं। हम रूल को पढ़े ना, मैं बताऊंगा सबका सिग्निफिकेंस क्या है। But we should follow the rule. There are rule. अगर ऐसे तो हम सब कुछ जानते ना, अरे ये तो कार है, इसमें स्टेरिंग है, इसके चार पहिए हैं, पढ़ने की क्या जरूरत है? पता है। बट फिर भी पढ़ना पड़ता है इसको, क्योंकि क्या अधूरा ज्ञान है ना। अभी कोई बोले कार बना फिर, तो आप बना ही नहीं पाएंगे। आपको सब कुछ पता है कार का, कार में इंजन है, पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, स्टेयरिंग है, ब्रेक है। कार बना के दिखाओ फिर, बना नहीं पाएंगे। No, क्योंकि आपको पता नहीं ना अंदर वाली चीज। कौन सी कार सर, बुक पे या रियल? अबे रियल रियल। बुक पे बनाएगा तो इसमें कौन से? ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट। इसमें बताओ कितना है? 0.0201 कौन कौन से? 4 2010 इसमें बताओ। Five significant digit है इसमें, क्योंकि rule क्या कहता है? All zeros to the right of a non-zero digit in a decimal number are significant irrespective of their location. कहीं पर भी हो। ये बताओ इसमें कितने? Five significant digits. Next rule लिखेंगे, rule number five. देखो सब रूल एक साथ याद होंगे ना, तभी हम निकाल पाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट को, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। सारे रूल एक साथ याद होने चाहिए। इन अ होल नंबर समझते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। 0, 1, 2 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। Are not significant in a measurement. For example, मैंने लिखा 540, बताओ कितना significant digit है इसमें? 3 2 2 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें? 2 2 क्योंकि ये जीरो इनसिग्निफिकेंट है। कैसे पता? रूल के हिसाब से। जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो। हां इसमें बताओ कितने हैं? Three. सिर्फ ये तीन, ये नहीं है। इसमें बताओ four. ये चार। इसमें बताओ
वन फोर वन वन सिर्फ ये. अरे ये जीरो तो आपको पता है ना सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं कभी भी. ये जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है. इधर वाला तो लेफ्ट मोस्ट जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट होता नहीं, चाहे वो डेसिमल हो या नहीं हो. लेफ्ट मोस्ट जीरो. Is non-significant. Always. हमेशा ऐसा ही होगा. हमेशा इसका कोई वैल्यू नहीं है. हमेशा ऐसा हो, चाहे फिर वो डेसिमल वाला नंबर हो या बिना डेसिमल वाला नंबर. So this is rule number 5 and finally rule number 6. छह rule है बस. So rule number 6 है power of 10. Power of 10 is non-significant. Power of 10 is non-significant. Power of 10 का मतलब मैंने लिखा 14 into 10 raised to 3. तो बताओ कितना significant digit है? सिर्फ दो. दो. Power का कोई लेना देना? मैंने लिखा 1.61 या 1.67 इनटू 10 रेस टू माइनस 27. थ्री सिग्निफिकेंट. तो पावर ऑफ 10 का कोई लेना देना नहीं है. उसको काउंट नहीं है. तो ये छह रूल है. ये छह रूल है और दो तीन नोट मैं आपको लिखाऊंगा. हाँ उतना आपको याद आ जाएगा ना तो आप सिग्निफिकेंट फिगर आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है तो ये छह रूल को आप एक बार देख लो अच्छे से क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आपको पता लगाना है कि कितने उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है. ये छह रूल को आप देख लो अच्छे से कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा. सबसे ज्यादा दिक्कत कौन क्रिएट करेगा? जीरो. सबसे ज्यादा दिक्कत जीरो क्रिएट करता है. तो छ के छ रूल देख लो. छ के छ एग्जांपल्स दे दूं? हां सर. है ना तो मैं आपको 10 एग्जांपल दूंगा है ना. यस सर. 10 के 10 कर लेना और फिर हाथ ऊपर कर लेना अगर हो जाए तो. तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा सॉरी आठवा नवा और दसवा. सो पहला नंबर ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने. दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर पांचवा नंबर छठा नंबर सातवां नंबर आठवां नंबर नौवां नंबर और दसवां नंबर. सब में आपको सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं और जब आपके हो जाए तो आप हाथ ऊपर कर देना और यही रूल आपको फॉलो करने हैं. इन 10 में से केवल एक आपको हो सकता है नहीं आए, बाकी सब आपको आ जाए. जिस किसी के भी हो जाए 10 के 10 या फिर 9 भी हो जाए हाथ ऊपर कर देना. डन सर. और सही होना चाहिए गलत नहीं. ठीक है
आराम से देख के। फिर हम क्या लिखेंगे? तो तीन नोट लिखेंगे हम यहाँ पे। चलो बहुत हो गया, लेट अस सी द क्वेश्चन। तो पहले से शुरू करेंगे। सो पहले का आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर बोलो कटाकट। नोट क्या बोलता है? राइट मोस्ट जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इन अ होल नंबर व्हेन रिटन अलोंग विद द यूनिट। यस सर, इसलिए वो जीरो भी क्या बन जाता है? कितने लोगों के 10 के 10 सही है? सर मेरे, सर मेरे, सर मेरे। अच्छा है, देखो मुझे बताओ 300 में कितना सिग्निफिकेंट यूनिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 1 1 1। लेकिन 300 मीटर में कितना है? 3 3 3। ये अंतर है, इसको आप ध्यान रखिए। यूनिट लग जाने से क्या होता है ना, ये भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। सो यूनिट का बहुत ख्याल रखना जाता है। जैसे मैंने लिखा, लेट्स से 1000 kg, बताओ कितना सिग्निफिकेंट है? 4 4। दूसरा क्या बोला? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट चेंज ओवर चेंजिंग द सिस्टम ऑफ मेजर।
यानी कि एमकेएस से आप अगर उसको सीजीएस में ले जाएंगे तब भी सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं 5 केजी, बताओ 5 केजी में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 5 1 1 1 1 1 इसको मैंने लिखा 5 × 10⁻³ ग्राम, आप कितना सिग्निफिकेंट है? 1 1 1 1 तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज हो गया क्या? नहीं हो, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज होगा। जैसे मैं लिखूं अगर 10 केजी पर मीटर की 2, हाँ तो इसमें 2 है राइट, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2 2 2 हाँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर, अब भी कितने है? 2 क्यों ये काउंट क्यों नहीं करते हैं? रूल है ना, रूल है सर, रूल कौन सा रूल है? सिक्स नंबर वाला, सिक्स नंबर, रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग हम उसको काउंट नहीं। एक लास्ट मैंने लिखा है तीसरा, क्या है वो? प्योर नंबर। प्योर नंबर कभी कभी आता है एक्चुअली। प्योर नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है काउंट को, किसको रिप्रेजेंट करता है? काउंट, काउंट है ना। जैसे अभी जैसे हम बोले हैं कि काउंट ऑफ द स्टूडेंट इज 30, सो 30 एक प्योर नंबर है, वो 30 एक प्योर नंबर है। तो उस प्योर नंबर जितने भी होते हैं ना उन सबका हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। जैसे 30 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? यस यस। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट थे? 1, बट इधर कितने हो गए? 3 3। क्या ऐसे भी लिखा जा सकता था? यस सर। प्योर नंबर है ये, तो जितने भी प्योर नंबर होते हैं ना वो मतलब उनका इंफिनिटी तक मान सकते हैं। प्योर नंबर क्या होता है? एक काउंट होता है ये। काउंट होता है, काउंट जैसे कि मान लो 5 पीपल, या लेट्स से 5 क्रिकेट बॉल्स, या लेट्स से 5 मोबाइल्स, 10 मोबाइल्स, ये प्योर नंबर कहलाता है। तो काउंट बेसिकली, सो ये जो काउंट होता है इसका वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर रख सकता है? अप टू इनफिनिटी। तो इनफिनिटी तक उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम पकड़ सकते हैं। एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं। सो ऐसे मतलब थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है हमको इस चीज का। इनफिनिटी तक ले सकते, इनफिनिटी लेना चाहिए वैसे, क्योंकि हम कैसे भी लिख सकते हैं उसको। सो ये 3 नोड भी आप ख्याल में रखेंगे तो आपका फिर सिग्निफिकेंट फिगर कैसा हो जाएगा? Awesome. तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, 3 रूल क्या थे, सॉरी 6 रूल क्या क्या थे? पहला रूल बोलो कोई तो भी। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अरे अलग अलग लोग बोलो जल्दी खटाखट। Zeros between 2 non-zero digits are significant irrespective of the location. Okay, so zeros between 2 non-zero digits are significant irrespective of their location. Tisra? If number is less than 0, all zeros to the right of the decimal and to the left of the non-zero digits are not significant. Number is not less than 0. Number is less than 1, I think, na? Less than 1 likha hai, less than 0? Less than 1. Less than 1, not less than 0. Because less than 0 becomes negative. Yes, sir, negative. So less than 1 nahi ho, less than 0 nahi. So usko clear karo thoda sa. Ye to kya hota hai, market mein naam kharab hoga na mera. Manish sir ne to yehi likha hai tha. Dekha na, yehi likha hai tha. तो फिर वो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना, मार्केट में नाम खराब हो जाता है फिर। और उसके बाद क्या था नेक्स्ट वन?
all zeros to the right of the non-zero digit in decimal number are significant. So all zeros to the right of non-zero digits. Sorry, left na right. Right, sir. Right. Left of the right. Right, sir. Right. Right of. Right. Of. Right. Left of, right of non-zero digits. Right of non-zero digit in decimal number are significant. ये अगला अगला वाला हो गया. अगला क्या है? सरगम. In a whole number, zeros to the right of non-zero digit are not significant in a measurement. हाँ, yes. Okay. Next one. Power of 10 is not significant. Power of 10 is not significant. Next one. Sir, done, sir. Done, sir. Note padenge, note. Note number one. Saksi. You speak. Sakshi, aap bolo beta. Sir, which Sakshi? Sakshi Khose. Right more zeros become significant in a whole number when written along with unit. जो यूनिट के साथ लिखेंगे तो वो जीरो भी क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट बन जाएंगे. दूसरा, दूसरी साक्षी, सेकंड वन. साक्षी ज्यादा हो. ओके, समृद्धि आप बोलो बेटा, वो नहीं बोल रही है. यस सर. सेकंड, नोट नंबर टू. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट चेंज ओवर चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होते, चाहे वो एमकेएस हो या सीजीएस हो. हाँ, वैसा है. हाँ. तनिष्क कापकर, आप बोलो तीसरा. रियल नंबर वाला, सॉरी प्योर नंबर वाला. नंबर, हाँ, प्योर नंबर इज द काउंट व्हिच गोज अप टू इनफिनिटी. हाँ, मतलब उसका सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ तक जाता है? इनफिनिटी तक जाता है. इनफिनिटी है ना. अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? हाँ, यस, ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट डिजिट. ऑपरेशन कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट डिजिट, ऐसा हेडिंग डालो. Operations considering significant digits. Operation considering significant digits. So heading is something like this. Operation considering significant digits. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ. क्या पढ़ेंगे? राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग, ये चालू करने से पहले इसमें हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ. ये राउंडिंग ऑफ आप किर है क्या? जैसे हम लोग कभी कुछ चीज खरीदने जाते हैं, जैसे 98 रुपीस की है, तो आप दुकान वाले को कितना रुपए देते हैं? 100 rupees. तो 98 रुपीस हम नहीं देंगे उसको, 100 रुपीस देंगे. तो हम बोलते राउंड ऑफ कर लो यार, राउंड ऑफ. फिर वो 2 रुपए हमको वापस ले देगा, तो हम कभी कभी ले लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते. बोले रख लो. तो 98 रुपीस, 100 रुपीस हम देते, राउंड ऑफ करते हैं इसको हम. सो राउंडिंग ऑफ के कुछ नियम है ना, वो हमको आज सीखने पड़ेंगे. ठीक है, एक नंबर राउंड ऑफ कैसे करते हैं. सो द फर्स्ट रूल क्या है? इसके भी कुछ रूल्स हैं. राउंडिंग ऑफ के भी कुछ रूल है ना. तो देखो, देखते हैं रूल नंबर वन. सो रूल नंबर वन है, इफ योर नंबर, यानी इफ नंबर
is greater than $5, $50, $500, $5,000 and so on. Next kya aayega? $50,000 and so on. So if number is greater than $5, $5, $5, $50, $500, $5,000, then left digit is increased by 1. एक से बढ़ा दो, यानी कि अगर आपका कोई एक नंबर है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कौन से नंबर की बात कर रहा हूं. सो अगर वो नंबर 5, 50, 500, 5000 ऐसे बड़ा है, सो लेफ्ट वाले डिजिट को कितना बढ़ा दो? एक बढ़ा दो. फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3.66, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 1 decimal place. कहां तक राउंड ऑफ करना है? 1 decimal. 1 decimal place का मतलब है डेसिमल के बाद कितने नंबर तक? एक ही नंबर. तो क्या बच गया? Six. तो यही वो नंबर जो बोल रहा हूँ ना, कौन सा नंबर. तो डेसिमल के बाद जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद का जो नंबर. अब ये नंबर बताओ 5 से बड़ा है या नहीं है? बड़ा है. ठीक, तो 5 बड़ा होगा तो इसके जो लेफ्ट वाला होगा उसको कितने से बढ़ाओ? 6 में 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 3.7. तो राउंड ऑफ हो गया 3.6. ये बताओ 4.9871 अप टू 2 decimal places. 4.9872. अप टू 4.99. सो 2 decimal place मतलब यहाँ 4.99. तो क्या बच गया? 71. Yes, sir. आप 71 को 5 से कंपेयर नहीं करेंगे, किससे करेंगे? 50 से करेंगे. 50 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है. तो लेफ्ट वाले को 1 बड़ा था, तो 8 की जगह क्या कर दो? 9. आंसर क्या आ जाएगा? राउंड 4.9. और रूल नंबर 2 क्या होगा? अगर ये छोटा होगा ग्रेटर से क्या हो जाएगा? लेस, स्मॉलर. रूल 2 में सिर्फ क्या कर दो? ग्रेटर की जगह स्मॉलर. तो चेंज या नो चेंज? नो चेंज. देन लेट डिजिट इज नॉट चेंज. एज इट इज एग्जांपल लेते हैं 19.54. 1 decimal place तक करो राउंड ऑफ. 19.5. तो देखो 1 decimal place के बाद कौन बच गया? 4. 4 greater than 5 या less than 5? Less than 5. So less than 5 में left वाले को change करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. So 19.5. ऐसे राउंड ऑफ भी करना आना चाहिए हमको. राउंड ऑफ का बहुत जरूरत पड़ेगा हमको, इसलिए बता रहा हूँ. और देखो साहब राउंड ऑफ के और एग्जांपल्स, जैसे मैंने लिखा 3.6178 है ना, 1 decimal place. थ्री पॉइंट सिक्स. तो देखो 178 बचेगा. सो 178 5 से बड़ा या छोटा? स्मॉलर देन 500. इस स्मॉलर देन 500. सो नाउ वी हैव टू कंपेयर विथ 500. तो सिंस 178 इज लेस देन 500,
छह को बढ़ाना पड़ेगा या वही वही रखना पड़ेगा? वही रखना पड़ेगा। क्या राउंडिंग ऑफ डिफिकल्ट है या आसान ही है? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। आपको ये देखना बड़ा है या छोटा है? चलो रूल नंबर थ्री देखते हैं अब, है ना, जहां पर थोड़ा सा हमको क्या लगेगा कि ये क्या हो गया। सो रूल नंबर थ्री में मैं क्या करूंगा ना, इफ नंबर इज इक्वल टू फाइव तभी भी ऐड करें। देख ले, इफ नंबर इज इक्वल टू 550 500 तब क्या करेंगे? तो देखो दो केसेस, इसमें दो केस होते हैं। इफ लेफ्ट डिजिट इज ऑड देन इंक्रीज बाय वन, एंड इफ लेफ्ट डिजिट इज इवन देन नो चेंज। नो चेंज, समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? अगर लेफ्ट वाला डिजिट ऑड नंबर रहेगा तो क्या करने का, बढ़ा देने का, और इवन रहेगा तो नो चेंज, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 3.25, one decimal place. 3.2. बताओ यहां तक ना फाइव बचा, क्या ये फाइव फाइव के बराबर है? है ना, तो अभी देखना पड़ेगा लेफ्ट वाला डिजिट क्या है, इवन है या ऑड है? सो ये इवन है या ऑड है? इवन है, इवन है, इसलिए दो चेंज। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? ये रूल नंबर थ्री है आपका। और एग्जांपल देखते हैं, 17.615, टू डेसिमल प्लस। 17.62, टू डेसिमल प्लस। फाइव अगेन 17.62। चेंज करना है या नहीं करना है? करना है सर, करना है। क्यों? वन ऑड है तो बढ़ाओ उसको। कर लेंगे क्या ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चन आप लोग राउंडिंग ऑफ के? यस सर, यस सर। मुझे मतलब हंसी आती कभी कभी, बट क्या है अभी ये है सिलेबस में तो मुझे पढ़ाना पड़ता है, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं एक्चुअली हो जाता है कभी कभी। तो 0.050, टू डेसिमल प्लेस। नो चेंज सर। 180.00 क्यों चेंज नहीं आया? जीरो इवन है। 50 इज इक्वल। हाँ 50 इज इक्वल, पहले ये चेक करना है इवन ऑड का कब देखना है, जब 550 और इनके अब इक्वल होना चाहिए। इक्वल टू 50, हाँ कुछ भी लगा हुआ है कभी भी कभी। सर इवन है ना, चेंज में नहीं करना है। सर ऑड है ना, चेंज नहीं, ऐसे नहीं, पहले देखना पड़ेगा टू डेसिमल। अब इसमें भी एक नोट डालेंगे हम देखो नोट के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, पूरा फिजिक्स में मैं नोट बहुत दिखाऊंगा आपको। एक नोट डालेंगे, राउंडिंग ऑफ के अंदर भी एक नॉट आता है। सर क्या है ये नॉट? ये नॉट बोलता है कि अगर इफ लेफ्ट डिजिट इज 9 देन इफ लेफ्ट डिजिट इज 9 एंड
number is greater than 5. Then, यानी कि 5 से बड़ा भी है और लेफ्ट में 9 है. So then, 9 plus 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना यहाँ पर. Yes, sir. Yes, sir. 10 का 1 क्या करना? Transfer करना है. So transfer one, two to the left side. Nearer left digit. बताऊंगा अभी एग्जांपल उसको समझते हैं. Nearer left digit को दे देना है आपको. For example, 2.196. अब क्या बोला? Round off करो. 2.2. रुको यार, मुझे तो बोलने दो. Round off up to 2 decimal place. 2.20. 2 decimal place तक आपको इसको round off करना है, यानी कि यहाँ तक. अब देखो, 6 greater than 5 या less than 5? Greater than 5. Greater than 5. तो इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये तो 9 है. 9 में एक बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा ना? 2.20. है ना? तो आपको एक इधर transfer कर देना, ये यहाँ पे लिखा. Nearer left digit. Nearer left digit. So 1 में फिर से 1 जोड़ देने का, कितना आ जाएगा? 2. 2.20. ऐसे लिखना पड़ेगा इसको. ये मैं सिखाना चाहता हूँ कि ये 1 यहाँ पर जोड़ेंगे ना, गड़बड़ क्या हो जाएगा? इसमें 1 जोड़ते हैं, यहाँ पर 10 ऐसे लिखना गधे की तरह. कुछ बच्चे लिखेंगे गधे की तरह 2.110. बस लिखेंगे कुछ कुछ है हमारे पास इंटेलिजेंट, वो लिखेंगे अरे सर हो गया 9 + 1 = 10. अरे ऐसे करोगे क्या? ऐसे नहीं करना. नहीं, नहीं. वो आगे ट्रांसफर करना उसको. तो ट्रांसफर 1 टू द नियरर लेफ्ट डिजिट, इसको आगे ट्रांसफर करो. तो 10 आया ना, 10 का 0 यहां रहने दो, एक इधर ट्रांसफर करो. तो इसलिए 2.20. इसका बताओ. हां 4.00. रुको, ये इसमें दो क्वेश्चन करना है. पहला 1 डेसिमल और दूसरा 2 डेसिमल. वन डेसिमल प्लस 2 डेसिमल प्लस. दो दो आंसर निकालना है. चलो देखते हैं, पहले 1 डेसिमल करते हैं. ठीक है, सो 1 डेसिमल करोगे तो कितना बचेगा? 4.94. कितना बचेगा? 94. Greater than 50. Greater than 50. तो change या no change? Change. 4.0. Left में क्या है? 9. 9. तो फिर एक इधर transfer. 4. 4.0. 4.0. ये हो गया 1 decimal का. 4.0. 2 decimal का करते हैं. तो 2 decimal का करेंगे तो? 99. 3.99. तो 4 तो less than 5 है. तो change या no change? No change. No change. No change. So it 2 decimal. So this is called rounding off. अब मैं rounding off के 5 क्वेश्चन आपको दूंगा, है ना? और आप उसको टिक कर दो. So round off करना है आपको. मैं बताऊंगा कहां तक करना है. ठीक है, मार्क कर दूंगा मैं. तो मार्किंग के हिसाब से आप समझ जाने. जैसे मैंने लिखा 3.1.1.2498 1.0.1996 1.21
9 9 पांच क्वेश्चन दूंगा बस ठीक 14.149 0.0 sorry 0.9999 करो सर आ जाए चारों के पांचों तो मुझे इंतला कर मैंने नीचे अंडरलाइन किया है वहीं तक आपको राउंड ऑफ करना है यस सर सर हो गया सर हो गया यस सर यस सर यस सर तुम लोग तो बहुत फास्ट हो यार जब आपकी कृपा है मेरी कृपा है मेरी कृपा सर अच्छा है ये कौन सी कृपा है मास्टर की ग्रुप चलो करें चलो पहला वाला करो तो बताओ चेंज या नो चेंज नो चेंज नो चेंज व्हाई नो चेंज स्मॉलर देन 498 इज लेस स्मॉलर देन 5 लेस देन No change. 311.2. Change, no change. 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 Greater than. Greater than 500. 500. Change or no change? Change. Change. Greater than 5. Greater than 5. लेकिन no है. तो no को क्या कर दो? 10. एक add करेंगे. फिर से एक add करेंगे. 121.00. हाँ. तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा 10 होते ही 1 यहाँ पे ले आओ पर ये भी 10 हो जाएगा तो 10 होते ही 1 यहाँ पे ले आओ 121.00 ये आएगा इसका चेंज या नो चेंज चेंज 14.15 और चेंज चेंज एक और ये वाला रह गया मेरे दिमाग से आप लोग कर लीजिए इसको 4.995 टू डिजिट डन 5.00 wonderful कैसे किया तो 5 मतलब equal to है और तो left side में odd है तो 1 add करेंगे but 1 add करते ही कपला हो जाएगा तो एक इधर ले आएंगे एक इधर ले वहाँ पे भी 1 add होगा so 5 so rounding off becomes smart 5 right rounding off yes sir एक और चीज सीख लेते हैं हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सो किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं a into 10 raised to b
वेयर ए जो है किससे किसके बीच में होना चाहिए, 1/2 से 5 के बीच, 1/2 से 5 के बीच है, सो बी ही क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ इसी बी को हम क्या बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया हाफ मतलब 0.5, सो नंबर 0.5 से तो बड़ा लेकिन 5 से छोटा। मैंने लिखा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 ये होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो आप मुझे बताइए कि इससे कंपेयर करो और बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, -19 तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा ओम आ जाएगा कितना ओम कितना आ जाएगा -19 So ohm came out as -19. Speed of light. 3 into 10 raised to 8. Compare karo. 8 aayega. Order of magnitude 8. So, is bar ohm ka value 8. Hai na? Ohm bura to nahi lag raha hai na? Nahi nahi. Haan, bura mat manna yaar, theek hai? Abhi main kya karu? इसमें बहुत बार ओम आता है और जब ट्वेल्थ में जाएंगे तो ओम ही छा जाएगा, पूरा सब जगह ओम ही ओम छा जाएगा, बस उसमें थोड़ा अंतर होगा, वो ऐसा होगा ओहम होगा ओहम, प्लैंक्स कांस्टेंट बीच में आ गया, हाँ एच आ गया बीच में, हाँ चलो प्लैंक कांस्टेंट की बात हो रही है तो प्लैंक कांस्टेंट का भी मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 into 10 to the 34 joule second, रख लिया गया वैल्यू, ये सर केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, हाँ तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -34 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा क्योंकि 8 greater than 5 है, हाँ तो इसको क्या करना पड़ेगा पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, अरे हाँ 10 to the power -30 -33 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अब कितना आएगा -33 ऐसे चेक करना पड़ेगा राइट, हाँ ऐसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा जी सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है, any idea? 6.64 into 10 to the power 11 10 to the power -11 newton meter square upon kg square ऐसा ना newton, तो इसका कितना आ जाएगा बोलो 0.66 into 10 to the power -10 हाँ तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 0.66 into 10 to the power -10 ऐसा क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि ये 5 से बड़ा आ गया, माइनस ही आता है या प्लस आता है यहाँ पर, आप चेक कर लो माइनस लिख दो तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं ना, जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूँ इसका बताओ, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ -3 -4 4.6 -4 -4 आएगा -4 0.5 से कम है तो आपको डिजिट को इधर ट्रांसफर करना होगा, सॉरी डेसिमल, तो 4.6 into 10 to the power -4 -4 चलो इसका बताओ
बताओ इसको प्लस फोर आएगा ना यस सर बताओ इसको माइनस फाइव कैसे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा सर वो डेसिमल को माइनस थ्री के लेफ्ट में लिखे राइट में लिखेगा हाँ इसको यहाँ लेके जाएंगे 3.21 तो कितने से लेके गए एक दो तीन चार पांच सो माइनस तो इसका ओम कितना आएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं और सिग्निफिकेंट डिजिट भी हमने सीखा और क्या सीखा कुछ नहीं राउंडिंग ऑफ भी सीखा ना कुछ नहीं यस सर डिसएडवांटेजेस भी सीखे तीन चीजें हमने सीख ली है आज कल हम इनके साथ खेलेंगे क्या बोलते हैं ऑपरेशन करना सीखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के सर चार चीजें सीखे सर कैसे पहले लिमिटेशन सीखे फिर सिग्निफिकेंट सीखे फिर एक मिनट राउंडिंग ऑफ फिर ऑपरेशन कंसीडरिंग सिग्निफिकेंट सीखे और फिर अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हाँ बट अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ अभी ऑपरेशन हम ऑपरेशन के लिए हमने हथियार जुटा लिए हैं अभी ऑपरेशन हम कल करेंगे ठीक है ऑपरेशन के लिए दो हथियार लगते हैं ठीक है सर एक राउंडिंग ऑफ और एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो हम कल करेंगे आगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू सर प्रैक्टिस करिए और डाउट आता है तो मुझे सेंड करिए ठीक है यस सर यस सर